नमस्कार दोस्तों, अखबार जबर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी सी थ्री के 8.15 अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रियलमी सी थ्री के अंदर 8.15 करके एक अपडेट जो है वो रोल आउट होना चालू हो चुका है। कल रात को ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको अपडेट लॉक के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा और साथ में एक रिव्यू भी देने वाला हूँ इसी 8.15 अपडेट का। तो सबसे पहले करते हैं अपडेट। अब देखो, एक OTA तो मुझे नहीं मिला। OTA की साइज अराउंड 300 से 400 MB के बीच में ही होगा और बहुत से कम लोगों को ही OTA मिला है। अगर आप जाके चेकआउट करोगे Realme कम्युनिटी में तो एक ही यूजर है जिन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो भैया, OTA तो बहुत ही कम लोगों को मिला है, लेकिन अगर आपको मैनुअली डाउनलोड करना है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रियलमी सी थ्री का अपडेट जो कि 8.15 का। और रिलीज टाइम नीचे देख सकते हो 17 मार्च। हालांकि 17 मार्च को तो रिलीज नहीं हुआ, कल ही अपडेट आया था। और नीचे देखोगे साइज 2.87 GB की। अपडेट लॉक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा है नहीं। देखो, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप मैनुअली अपडेट करते हो ना तो फायरफॉक्स ब्राउजर से डाउनलोड करो, क्योंकि यार क्रोम में ना कभी कभार फेल्ड हो जाता है। मतलब मैंने बहुत बार क्रोम से डाउनलोड किया था पहले भी, तो उस टाइम पे ना कभी कभार फेल्ड हो जाता है, तो इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ फायरफॉक्स किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर तो सब देख सकते हो, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। आप देख सकते हो नीचे वाला 2.88 GB की साइज़ है और कल रात ही मैंने इसको डाउनलोड करके रखा था। अभी कुछ लोग करते क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो आता है ना अपग्रेड नाउ, इस पर क्लिक कर देते हैं। भाई, ये सही तरीका नहीं है अपडेट करने का। ठीक है, Realme वाले भी ऑफिशियली बोलते हैं कि आप ऐसे अपडेट मत करो। मतलब यार, आपने हो सकता है काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप बस डाउनलोड करो, उसके बाद उस OZIP पे टैप करो, फिर अपग्रेड नाउ करो, उसके बाद आपका जो अपडेट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन होता है अपडेट, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको अपने फ़ोन को करना है पावर ऑफ। ठीक है, अभी मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, पावर ऑफ करने के बाद आपको अपने फ़ोन की जो वॉल्यूम की है, वॉल्यूम डाउन की, उसको और पावर की को एक ही साथ एक ही टाइम पे प्रेस करके रखना उसी सेकंड तक। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब देख सकते हो, आपको इस टाइप से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है कुछ ही सेकंड्स तक, और जैसे ही यहाँ पे रियलमी का लोगो आता है उसके बाद आपको छोड़ देना है। अभी आपको बस थोड़ा सा वेट करना है जब तक रिकवरी मोड ना आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिकवरी मोड है वो फाइनली आ चुका है। अभी आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टैप करना है इंग्लिश के ऊपर। जैसे आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे कलर OS रिकवरी के अंदर। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको बस इस पर टैप करना है। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में कोई लॉक वगैरह लगा है तो उसको आप यहाँ पे कंफर्म कर दो। उसके बाद आपको टैप करना है फ्रॉम फोन स्टोरेज। उसके बाद आपको अपने डाउनलोड फाइल को ढूंढना है जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा है। अब मेरे केसेस में वो फाइल है डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा, थोड़ा सा उसको ढूंढते। ये रहा, मिल गया। तो यहाँ पे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो RMX2020 करके जो फाइल है वो ऊपर नज़र आ रहा है। अभी हमें सिर्फ इस पर टैप करना है, उसके बाद देख सकते हो इंस्टॉलेशन पैकेज दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी अनडोन, हमें बस करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे आपके सामने यहाँ पे जो अपडेट है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही घटिया है उसके लिए सॉरी, लेकिन आज जो इंस्टॉलेशन है वो चालू हो चुका है। आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा जो ग्रीन बार है वो जा रहा है। अभी आपको करना क्या है, आपको वेट करना है जब तक यह कंप्लीट ना हो जाए। आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, हो सकता है अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, 10 से 15 मिनट तक भी लग सकता है या फिर 2 से 3 मिनट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ और जब भी ये फ़ोन ऑन होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, देखो ओके पे क्लिक नहीं करना है, आपको रिबूट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, आपको ओके पे नहीं, आपको रिबूट पे क्लिक करना है और रुक जाना है, मतलब वेट करना है। उसके बाद आपके सामने लोगो आ जाएगा, फिर वेट करो, जैसे बूट होता है वैसे बूट होगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि आपने एक अपडेट को अभी अभी इंस्टॉल किया है, तो हो सकता है बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ना काफ़ी से सवाल करते हैं कि भाई हम अगर मैनुअली अपडेट करते हैं तो उसके बाद हमें क्या OTA अपडेट्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, अगर आप मैनुअली अपडेट करते हो, वो भी मैं जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर आप उस लिंक से जाके करते हो तो आप कर रहे हो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वाले साइट से, तो इसके बाद आपको OTA अपडेट भी ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि मैं हर बार मैनुअली अपडेट ही करता हूँ। मैं
कभी भी OTA के लिए वेट नहीं करता, लेकिन हाँ आपको OTA मिलेगा क्योंकि मैंने ऐसा ट्राई करके देखा है। इससे पहले मैंने जब Realme C1 पे मैनुअली अपडेट किया था उसके बाद भी मुझे OTA अपडेट मिला था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको OTA जरूर से मिलेगा। और एक बात, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इससे कोई डेटा लॉस होगा या नहीं। भाई देखो, इससे कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, लेकिन Realme वाले हमेशा बोलते हैं कि आप किसी भी अपडेट करने से पहले एक बैकअप ऑलवेज कर लो, चाहे वो OTA हो चाहे वो मैनुअली हो, कुछ भी करने से पहले, मतलब अपडेट करने से पहले आप एक बार बैकअप ले लो अपने पर्सनल फाइल्स वगैरह का। लेकिन जो भी फाइल्स है यार वो नहीं उड़ने वाला है, क्योंकि मैंने भी कोई बैकअप वगैरह करके नहीं रखा था, मैं भी ऐसे ही बस अपडेट कर दिया। अभी कुछ भी फाइल नहीं उड़ने वाला है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, मतलब डेटा इरेज नहीं होगा। तो यही जो सवाल है ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, और भी पूछते हैं कि भाई फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैनुअली अपडेट करने से आप बिंदास कर सकते। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैं जल्दी से पासवर्ड दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो मोबाइल है वो फाइनली सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ ऐप ड्रॉयर की तरफ, तो आप देख सकते हो जो ऐप ड्रॉयर है वो भी आ चुका है। तो अभी हम जाते हैं सबसे पहले सेटिंग में, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो वर्जन है वो। तो जाते हैं सबसे पहले नीचे अबाउट, नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं, और देखते हैं भैया यहाँ पे कौन सा वर्जन शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि फिलहाल जो है 8.15 वाला अपडेट इंस्टॉल हो चुका है, और देख सकते हो दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 10 RMX 2027, जो कि रियलमी C3 का मॉडल नंबर। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये 8.15 वाला अपडेट है ना, ये अपने साथ में एक कैमरा इंप्रूवमेंट्स को लेके आता है, साथ में भैया जो जायरो सेंसिटिविटी था उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ भी 8.15 वाला वर्जन जो है इंस्टॉल हो चुका है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा UI दिखाऊँ तो वैसे ही लग रहा है, मतलब जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है, इतना कुछ मतलब फास्ट नहीं हुआ है, लेकिन ना आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। अभी दोस्तों हम जाते हैं सीधा सेटिंग पे, और जाते हैं अबाउट फ़ोन पे कि भाई हमें सिक्योरिटी पैच कौन सा मिला है। अबाउट फ़ोन पे तो नहीं, सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मार्च के महीने का सिक्योरिटी पैच तो नहीं मिला, अभी भी यहाँ पे 5th February 2020 का सिक्योरिटी पैच ही चल रहा है रियलमी C3 के अंदर। अगर मैं जाके चेकआउट करता हूँ गूगल पे सिस्टम अपडेट पे, तो यहाँ पे एक 1.8 MB का अपडेट आया है। तो अगर आपके फ़ोन में भी ये अपडेट आया तो जल्दी से कर लेना, मतलब पहले आप 8.15 वाला अपडेट करो, उसके बाद में अगर ये वाला अपडेट आता है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट तो इसको भी कर लो, ये अपडेट जो है रोज़ाना आते रहते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच तो नहीं मिला है, लेकिन जो मेन कैमरा इंप्रूवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोज़ वगैरह देखोगे अलग अलग सिनेरियोज़ में कि भैया 8.15 अपडेट करने से पहले कैसा था और 8.15 अपडेट करने के बाद कैसा है, और कुछ वीडियो सैम्पल्स भी है जिसको आप देख लो, आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे क्वालिटी मिल जाएगा। बात करते हैं जायरो सेंसिटिविटी की कि वो कितना इंप्रूव हुआ है। तो देखो भाई, मैं पबजी में जायरो तो नहीं खेलता, मतलब मैं जायरो को कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा 1 मिनट का गेम प्ले दिखा रहा हूँ, जहाँ पे पबजी मोबाइल को मैंने जायरो को ऑन करके खेला है। तो अभी आप डिसाइड करो कि भाई जायरो जो है इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जायरो प्लेयर हुई नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, है ना। मैं 8.15 वाले अपडेट से पहले भी नहीं खेलता था जायरो, मतलब 8.03 में भी मैंने नहीं खेला, और 8.15 के बाद भी मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी स्क्रीन के ऊपर आप ये छोटा सा क्लिप देख लो 1 मिनट का, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लो कि जायरो जो है वो इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है।
team is in the lead. तो यार इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और हमेशा स्मार्ट रहिए।